प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव के बारे में चर्चा करेंगे। केशव कवि का नाम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। केशव या केशवदास का जन्म विक्रम संवत 1555 और मृत्यु अनुमानतः 1618 विक्रम संवत मानी जाती है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की कवित्रयी के एक प्रमुख स्तंभ हैं। वे संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। इनका जन्म सनाड्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेह भाजन थे। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। वे केशव को अपना गुरु मानते थे। रसिक प्रिया के अनुसार केशव ओरछा राज्यांतर्गत तुंगार राय के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा नगर में रहते थे। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। वे सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था और ओरछा के राजदरबार में उनके परिवार का बड़ा मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे। वे आत्मसम्मान के साथ विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा था। वे लिखते भी हैं, भाषा बोल न जा नहीं जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। केशव बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने के लिए आई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर उन्होंने निम्न दोहा कहा, केशव केसन असी करी बैरिहु जसन कराही, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाई। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। केशवदास रचित प्रामाणिक ग्रंथ 9 हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके प्रमुख आधार ग्रंथ हैं नाट्य शास्त्र, कामसूत्र और रुद्रभट्ट का श्रृंगार तिलक। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है, जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह कवि कल्प, लता, वृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। रतन पावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जस चंद्रिका का यशोदान किया गया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्यापदेशिक काव्य है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसीलिए स्वाभाविक था कि वे भामय, उद्भट और दंडी
आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करती। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राज्यश्री वर्णन आते हैं, जो काव्य कल्प लतावृति और अलंकार शेखर पर आधारित हैं। इस तरह वे अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष दब गया है और सामान्यतः ये सर्वदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण ये कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका, प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्राकृतिक वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। केशव दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति इन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया है। वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव कवि पहले थे और भक्त बाद में, अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है, उसमें परंपरा का निर्वाह अधिक है, मौलिकता और नवीनता कम। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा है। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई हैं। अरुण सूर्य को कापालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना केशव का चक्कर प्रतीत होगा। कै सोनित कलिक कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र संवाद, लव कुश संवाद, सीता हनुमान संवाद इसी प्रकार के संवाद हैं। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत एक उत्तर प्रत्युत्तर देखिए। गेंद करों में खेल की हर गीति केशोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। अंगद का संवाद है, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठा वही। काटे जो कहत शीश काटन घनेरे घाग, मगर के खेले कहा भट्ट पद पावही। आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था, उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, किंतु यह आरोप पूर्णतया सत्य नहीं, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेकानेक स्थल हैं जहां उनकी भावुकता
और सहृदयतापूर्ण साकार हो उठी है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र जी की मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका के प्रति सीता जी का यह कथन कितना भावपूर्ण है। श्रीपुर में वन मध्य है तू मग करी अनीति, कही मुंदरी अब तियन की को करी है परतीति। भाषा, केशव ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया, परंतु ब्रज भाषा का जो ढलावा रूप सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है वह केशव की कविता में नहीं। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। कहीं कहीं तो उनके छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। रामचंद्र पद पद्म वृंदा करक वृंदा भी वंदनीयम, केशवमति भूतनया लोचनम चंचरी कायते। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी मिश्रण मिलता है। खारक छोहारा, थोरीला खूंटी, दुगई दालान, गोरमदाइन इंद्रधनुष आदि जैसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर उनके काव्य में हुआ। अवधि भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे इहां उहां दिखाऊं रिझाऊं आदि। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को गढ़ लिया है, जैसे चाप से चाप की है। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी तरह स्वच्छंदता से काम लिया, जैसे आलोक कलंक, लांच रिश्वत, नारी समूह आदि। जल के अर्थ में विष शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में ही मिलता है। विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवनहार को दुख अशेष हर लेत। संस्कृत और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता आ गई है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है, उसमें कहावतों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। लाज मरना कहावत का एक प्रयोग देखिए, कही केशव आपन जांग उघारी के आप ही लाजन की मरई। शैली, केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षेप में, केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह कुछ दुरूह अवश्य हो गई है। रस, केशव जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उत्कृष्ट व्यंजना की है, किंतु मुख्यतः वे श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों को उन्होंने अपनाया है। वीरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन में तो वे अपनी सानी नहीं रखते। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन कितना उत्साहपूर्ण है। रिपुही मारी संघारी दल यमते लेहु छुड़ाई, लवही मिले हूँ देखियो माता तेरे पाई। छंद, छंदों के विषय केशव का ज्ञान अपार था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई है कि विद्वानों ने उसे छंदों का अजायब कर कह दिया है। केशव ने स्वतः लिखा है, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णती हूँ बहु छंद। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। उन्होंने कविता समैया दोहा आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया है। अलंकार, केशव को अलंकारों से विशेष मोह था।
उनके अनुसार यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित। अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकारों के बोझ से कविता के भाव दब से गए हैं और पाठक को केवल चमत्कार हाथ लगता है। जहां अलंकार योजना के प्रति केशव को कठोर आग्रह नहीं है, वहां उनकी कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। दशरथ मरण के उपरांत भरत जब महल में प्रवेश करते हैं तो वे माताओं को वृक्ष विहीन लताओं के समान पाते हैं। मंदिर मात मात विलोकी अकेली जो बिन वृक्ष विराजत बेली। साहित्य में स्थान। केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहकर पुकारा जाता है, किंतु उनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, केशव की रचना में सूर तुलसी आदि किसी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यंगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की ही गणना की जाती है। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास अबके कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।